साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर महा कवरेज अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की शुरू करते हैं अब से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा उत्सव मनने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या तैयार हो चुका है और कुछ ही देर में खुलेंगे राम मंदिर के कपाट। अयोध्या में सुबह 10 बजे से गूंजेगी मंगल ध्वनि और इस मंगल ध्वनि में, इस मंगल आचरण में सभी झूमेंगे, क्योंकि इस वक्त जो समय नजदीक आ रहा है ये समय सर्वोत्तम मंगलकारी है और ये समय राम के आगमन का समय है, राम की प्राण प्रतिष्ठा का ये समय है, भगवान श्री राम के चरणों में ध्यान लगाने का समय है। क्योंकि अब राम लला पधार रहे हैं, लंबा संघर्ष करने के बाद उनके भक्तों ने जो अब उनके लिए एक धाम सुनिश्चित किया, अब तक टाट में जिस तरह से भगवान राम ने एक कठोर वनवास एक तरह से काटा, एक टाटवास भी उनको काटना पड़ा, लेकिन अब जो महल उनका बनकर तैयार है उस महल में विराजमान होंगे रामलला। और सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि गूंजेगी, पूरा अयोध्या, पूरा भारतवर्ष, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झूम उठा है और आज का ये दिन बेहद खास। कुछ ही देर में राम मंदिर के कपाट खुलेंगे, लगातार वहां की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और आज सब राममय है। आज अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी यजमान बनकर पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में लगभग 5 घंटे बिताएंगे। 10:55 पर राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे पीएम। ये भी बता दें आपको कि 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। 8,000 से ज्यादा हस्तियां शामिल होंगी, नामचीन हस्तियां उसमें शामिल होंगी और कार्यक्रम की शुरुआत यानी कि शुभ मुहूर्त का समय जो है निर्धारित 12:05 पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान बनकर इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बैठेंगे, क्योंकि जहां कहीं भी कोई हवन पूजन या प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसे करवाने के लिए एक यजमान की कम से कम आवश्यकता होती ही है और यहां नरेंद्र मोदी से बढ़कर यजमान और कौन हो सकता है, जो कि उस रथ यात्रा के दौरान से लेकर आज तक अभी तक इस मुहिम से जुड़े रहे किसी न किसी रूप में। उस रथ यात्रा की अगर तस्वीरें, अरे तो मैं याद करता हूं जब वो तस्वीरें हम देखते हैं जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी और कई बड़े नेता जो इस राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे और साथ साथ प्रधानमंत्री जो इस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर उस रथ यात्रा में वो शामिल हुए थे और तब से लेकर अब तक का जो संघर्ष रहा है उस संघर्ष में कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा, कहीं ना कोई जुड़ाव रहा और आज एक बड़ा सौभाग्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का।